तुम्हें पता है मैं आज एजल छोलो व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ जी, तुम एजल हो? हाँ जी, मैं एजल हूँ। एजल की वॉइस ओवर जी। सवा साल से शायद लोगों ने ना जान खाई हुई थी। वी वॉन्ट एजल सोलो व्लॉग, तो एंजॉय करो एजल सोलो व्लॉग। दूले माया ये और वीडियो लगा दिया इसने तुम्हारे टिकटॉक अकाउंट पे, डिलीट करो। ये 1.5 साल की बेटी है हमारी माशाल्लाह, और इसने अपने पाऊं शाऊं की वीडियो कमल के फोन से बनाकर उसके ऊपर म्यूजिक लगाकर हंसता हुआ नूरानी चेहरा और उसको पब्लिक भी कर दिया, और उसके जनाब 4200 लाइक्स भी हो गए थे वीडियो के। मेहरबानी करके इससे अपना फोन बचा कर रखो। मैं वॉशरूम में बैठा जब भी टिकटॉक अकाउंट खोल के देखता हूँ ना, मेरे सामने सबसे पहले इसकी अपलोडेड वीडियो आ जाती है। मैंने बिछाया हुआ है लेकिन ये हर रोज इस तरह कर देती है, हर रोज पकड़ के नाच रही होती है। हाँ, और या फिर मेरी वीडियोस देखती होगी। तो इसको ना इसका अपना फोन लेकर दे। फोन नहीं लेके देना, जिस तरह मेरी और इसकी भी इकट्ठी हुई है ना, मेरे हाँ, हाँ। उसका आईपैड ले देती। ये भी सही है। 4-5 नाते कर देती हूँ जो ये नाच सुनती है, ठीक है, और साथ ही साथ 4-5 गेम्स कर देती हूँ, ABCD। ठीक है, ताकि हमारी प्राइवेसी तो ना तबाह करे। आज इसने अपने पाँव की वीडियो बनाई है, कल को मैं लेटा हूँ बेड पर और मेरी वीडियो बना कर अपलोड कर दे चाहे। अच्छा जी, नाश्ता मेरा आ चुका है, गर्मा गर्म पराठा और साथ में चाय और साथ में अचार, पूरा देसी मोल और मीठा चोल। लो कह रही है तुम पकड़ो, इसने तो नहीं तुम्हें जाने देना सलोन है। नहीं जाने दूंगी मैं, हाँ इसको पता है, लेकिन जाने फिर भी नहीं देना। कमल और आपा जाने लगे सलोन, और आज तकरीबन 4-5 घंटे के लिए अपनी बेटी को मैं अकेला ही संभालने वाला हूँ। डूले माया, डूले माया। ओके बाय बाय बाय। गहरिया पकड़ो, बाय। आजो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। आजो आजो, तुम भी साथ ही आजो आजो आजो, सारे अंदर बैठ रहे हैं सुकून से। हम लोग ना इधर बैठते हैं, इधर बैठ के हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मारते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। ये खिलौने आगे आगे। कमल तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ ना, ताकि इसको भी थोड़ा सा हौसला हो जाए कि इसकी मामा किसी जगह नहीं जा रही। जब ये अपनी मस्ती में लग जाएगी ना, तब निकल जाना। चेक करो, मामा टॉयज लेकर आई हैं। वाओ, नहीं नहीं खेलना है इनके साथ। ये लो ये लो ये लो, जाओ चली जाओ, तुम चली जाओ चली जाओ। बाय 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 बाय। कहीं नहीं गए मामा, इधर नहीं है वो, मामा बाहर गए हैं बस ड्राइंग रूम पर। इसको पता चल गया, चलो मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ, अपना टॉय पकड़ लो साथ। ये लो वो, ये टॉय दे दो। ये कुकू आप भी एजल के साथ खेलो ना प्लीज, खेलो ये। ओ चलो जी, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऐशे चलो, अभी इधर घूमो फिरो। ये ना दरअसल गैराज में भी खेल खेल कर थक गई थी, इसीलिए मैंने ना किसी की बाइक ये यामा मांगी है अपनी गली में से ही, और इसको लेकर मैं आ चुका हूँ खुले रोड में, जहाँ पर ट्रैफिक श्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये सुकून से घूम फिर लेगी। चलो इधर घूमो, ये अब यहाँ पर ना ये भागेगी, खेलेगी, कूदेगी। इधर इतना दूर नहीं जाना बेटा, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। वो देखो कितना दूर चली गई है, वापिस आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरे 1 साल से ना मैं जुल्कर्नैन आर्मी की जो सबसे बड़ी फरमाइश कमेंट सेक्शन में देखता आया हूँ ना, वो थी जी कि एजल का सोलो व्लॉग होना चाहिए। तो आज फिर मैं एजल का सोलो व्लॉग ही बना रहा हूँ भाई। अच्छा, उधर से वापिस आई है तो इधर अब भाग कर चली गई है। ये बाबा आगे पीछे, बाबा आगे पीछे, बाबा आगे। हाँ जी चले वापिस, चलो जी। 2000 मॉडल यामे की आवाज चेक करो यार, पूरी फटपटी है।
वाली आवाज वाली बाइक को पहले वैसे बंदा चला सकता था आसानी से, अब नहीं चलाई जाती यार। ये ले उस्ताद जी आपकी बाइक, आपको वापस मैंने कर दी है, अब मैं अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ घर। आ जाओ बस अंदर चलते हैं। चलो 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 शाबाश। अंदर अंदर, बाहर नहीं जाना अब, अंदर। अभी भी जिद कर रही है कि मुझे बाहर लेकर चलो। अभी जी हमारे बेटे के खाने का टाइम हो चुका है, तो खिचड़ी बनी हुई थी घर पे जो कि ये बहुत ज्यादा शौक से खाती है, तो वो मैं इसको खिला रहा हूँ। मजे की है ना इधर, ये देखो ये देखो पीछे फेंकना इधर, पीछे फेंकना पहले बाबा को हंग करो जबरदस्ती का हक कर दिया, ठीक है ये लो। मैं पकड़ के ले आया तो फेंक दो फिर। बच्चों के साथ खेलना बहुत मुश्किल है यार, बड़ा बंदा थक जाता है लेकिन बच्चा नहीं थकता। एक पंजाबी कहावत है ना कि 100 स्याना ते 1 न्याना, इसका मतलब है कि 100 एडल्ट आदमी एक बच्चे की एनर्जी को कभी बीट नहीं कर सकते। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा एनर्जी से बच्चों को नवाजा होता है। और ना मेरी एक ना तुम सब लोगों को नसीहत है, अगर कोई माँ बाप मुझे देख रहा है या फिर कोई माँ बाप बनने वाला है तो अपने बच्चों को यार टाइम दिया करो, उनको स्क्रीन की तरफ लगा देना, उनके हाथ मोबाइल थमा देना, ये कोई हल नहीं होता। मजाक की हद तक ठीक है आप 1-2 मिनट के लिए मोबाइल बच्चे को दिखा दो या कभी कभार कार्टून दिखा दो, लेकिन मैंने कुछ बच्चे ऐसे ही देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में से 12 घंटे स्क्रीन टाइम ही कर रहे होते हैं, मतलब हर टाइम उनके हाथ में फोन होता है। अगर फोन हाथ में नहीं होगा तो फिर वो टीवी की स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लगा कर बिजी रहते हैं और घर वाले दूसरे अफराद अपने अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। यार बच्चों को हमेशा बड़ों का टाइम चाहिए होता है, उनके साथ आपको बच्चों की तरह ही एंटरटेनमेंट करनी पड़ती है। बच्चे के साथ बच्चा बनेंगे ना तो बच्चा आपका दोस्त बनेगा, अगर आप बच्चे के साथ बड़े बनेंगे ना तो बच्चा आपको मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है, आपके प्यार को महसूस नहीं कर पाएगा और आपकी कभी बात सुनेगा नहीं। है ना इधर मुझे चक्की काटने की कोशिश कर रही है। आई आई मारी लाई हो गया, मेरी लाई हो गया इधर पे ठाट। आई आई इधर ने बहुत जोर का ना मेरे कान पे नाखून मार। डूले माया, डूले माया, डूले माया, ये इधर आई आई इधर चूटियों को काट रही है। आई मारा बुटे
अच्छा बस बस बाबा तू बहुत डोर थे टोटी लगी है बहुत डोर हाँ बहुत डोर थे टोटी लगी है मैं क्या करूँ हाँ जी यही है टोटी लड़ी लड़ी है मुझे अच्छा उधर जाना है आपकी उधर जाना है चलो ओए आप क्या करने लगे हो ओए यार मैंने अपने लिए पकौड़े और साथ में आलू वाली टिक्की और साथ में नान मंगवाए हैं क्योंकि भूख लग गई थी मुझे। तो तभी एजल ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि बाबा मुझे भी नान दो, अब मैंने इसको नान दिया तो ये चटनी के अंदर भिगो भिगो के नान को खा रही है। आई आई मजा आ गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं एजल को सुलाने में कामयाब हो चुका हूँ। इस बेचारी को ना खाना शाना खाने के बाद नींद आ रही थी, इसलिए अभी इसको मैंने सुला दिया। जब तक ये रेस्ट करती है तब तक मैं भी ज़रा आज़ादी से घूम फिर लेता हूँ। मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता से बाहर जाना पड़ेगा और थोड़ा शोर शराबा भी कम ही करना पड़ेगा ताकि ये उठ ना जाए। आराम से दरवाज़ा खोलता हूँ और आराम से बाहर आ जाता हूँ। दरवाज़ा बंद भी आराम से ही करना पड़ेगा। ये लो हो गया बंद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स पार्टी टाइम। मैंने अपने लिए अपना मन पसंद शेक ऑर्डर करके अभी मंगवा लिया, बिकॉज पीने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा घर से तो बाहर जा नहीं सकता मैं, चलो घर पे ही चीजें ऑर्डर शॉर्डर करके मंगवा लेता हूँ। बड़ी जबरदस्त पैकिंग में है, बर्फ शर्फ भी उन लोगों ने साथ ही रखी होती है ताकि शेक मेल्ट ना हो जाए। मजा आ गया यार, कब तक आ रहे हो? दो घंटे अभी भी? नहीं मजाक कर रही हूँ, लाइट आ जाती है फिर ड्राइव करने या बालो निकल आऊंगी। अभी क्या लाइट गई हुई है वहाँ की? अभी लाइट गई है, यूपीएस चल रहा। तो फिर जब लाइट आएगी तब बालों को ड्राई करोगे फिर आओगे? चलो एजल को सुलाने में मैं कामयाब हो गया हूँ, सुला दिया आज मैंने जिंदगी में पहली दफा। क्या बात है, सो गई है ना, बस फिल्टर रखते हैं ना उसके पास। हाँ फीडर मैंने उसका पास ही रख दिया है और अपने लिए शेक मंगवा लिया है, अब मजे से बैठकर ये शेक पी रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि फीडर पास रखना नहीं, अगर वो रोएगी तो उसे उठा के बाहर ना ले आए ना, वो ऐसी जागती होती है थोड़ा सा। अच्छा उसे दूध पिलाना, वो सो जाएगी फिर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो आ जाओ तुम भी खैर से वापस। एजल को चेक कर लेता हूँ कि उठी तो नहीं है ना अभी तक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सो ही रही है सुकून से। भागता भागता मेरे पीछे पीछे आया अभी। वैसे अप्रैल भी खत्म होने वाला है लेकिन गर्मी नहीं आ रही यार, ये अच्छी बात है। बस 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 बाबा आगे, बाबा आगे। सोना है अभी? नहीं सोना जी, बेटी अब मेरी ने एक डेढ़ घंटा सो लिया, इतनी बहुत है नींद। आ जा। हमारे काका जी अभी उठे हैं इसलिए थोड़ा सा शड़िया शड़िया सा इनका मूड है, इनके मूड को आधे घंटे या 40 मिनट में सेटमेट करना पड़ेगा। आई 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 तो और खराब होता जा रहा है। ओ मामा आगे, मामा आगे, ओ मामा आगी है। उठाया? हाँ ये भी सोकर उठी है और इसका मूड थोड़ा ना मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मूड अभी तक सेट नहीं हुआ है। क्या हुआ आपको? मेरा मूड नहीं ना सेट हुआ, मैं बोर हो रही हूँ यार, सुबह से मैं घर बैठी हूँ और मैं टिया टट्टी। तुम लोग चले गए हो एक पॉलर में डैडी शैडी होने के लिए, मैं टिया टट्टी, मैं तभी छोटी रही हूँ, तभी ठेलती रही हूँ, तभी ठाठी रही हूँ, कभी पीटी रही हूँ, तभी बाबा तो टन टट्टी रही हूँ, बस यही मेरा सारा दिन काम चलता रहा है। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है, ये क्या सीन है? तुम लोग गए दो थे आए तीन हो? अच्छा वैसे ना आपा और कमल ये दोनों जब सलोन जाने लगे थे ना तब रेडी शेडी होकर गए थे, लेकिन सलोन से वापस आए हो तब कोई मेकअप नहीं है चेहरे पर। मैंने तब भी नहीं मेकअप किया था। किया था, आप भी इधर खड़े होकर लिपस्टिक लगा रहे थे। लिप बाम क्यों लगाया जाता है? लिप बाम इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके होंठ नरम रहे। नरम शरम नहीं, वो रेड शेड हो जाते हैं उससे। लिपस्टिक नहीं मेकअप में काउंट होती, लिपस्टिक बेसिक नहीं है, वो मेकअप नहीं है। अच्छा वैसे ना आज मेरी एजल को संभालने में हेल्प सबसे ज्यादा ना निशा ने की है, वो खड़ी है निशा। अच्छा।
इसने बहुत हेल्प किया बेचारी ने, फीडर बना बना कर देती रही है। फिर मैंने इसको सुलाया, फिर मैंने इसको खिलाया, फिर मैंने इसके लिए खिचड़ी शिचड़ी का इंतजाम भी निशा के साथ मिलकर ही किया। पता है आज अगर निशा ना ना होती तो मैं ना होता, क्योंकि एजल पागल कर देना था मुझे अकेले को। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप उसको कौन सा अवार्ड देंगे, वो तो रोज करती है ये सारे काम खुद विदाउट एनी हेल्प। उसको अल्लाह ने रिवॉर्ड दे दिया ना, उसके पैरों के नीचे जन्नत नहीं रख दी अल्लाह ने, और मुझे दरवाजा बना दिया अल्लाह ने, मुझे भी रिवॉर्ड मिल गया। लो जी जनाब, कमल मैडम इस टाइम नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ है, और मैं इधर एडल मैं नेल पॉलिशों तो छेनने में बिजी हूँ। मैं तभी उठाकर इन तो नीचे पहन देती हूँ, तभी ऊपर ले देती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इन नेल पॉलिशों को छेनने का, विगत अलग अलग तरह के कलर्स है ना, तो अलग अलग तरह के कलर्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं। अब मैंने देखा कि मेरी मामा बहुत ज्यादा मशरूफियत से नेल पॉलिश लगा रही है, तो मैं जाती हूँ और छेड़खानी करती हूँ। नहीं खोला नहीं है, खोला नहीं है, खोला नहीं है, खोला ना टर क्या यार, खोलना नहीं है ना सुने। अब भी मेरे डैडी मुझे उठाते ले आए हैं मेरे रूम के अंदर, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत मट्टियाँ करनी है, अपने अलग अलग तरह के टॉयज के साथ खेलने हैं, और इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद इस स्लाइड को लेकर मैंने नीचे आना है, बस यही मेरी मशरूफियत है। इसी तरह मैं सारा दिन घूमती हूँ, फिरती हूँ, खेलती हूँ, गाती हूँ और खाती हूँ, यही मेरे काम काज है। चलो जी अब ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, जोर लगा के जोर लगा के आईशा। अभी मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मैं हंस भी रही हूँ। अगर मुझे मजा ना आ रहा हो ना, तो फिर मैं ना बड़ा खड़ूस सा मुंह बना लेती हूँ, है ना, है ना। ये क्या, वो इन मोतियों ने तो मेरी अट्रैक्शन मोल ले ली है। अभी मैं नीचे उतरने की ट्राई करूंगी, लेकिन मेरे से वैसे तो उतरा नहीं जाता, इसलिए रस्सियों का सहारा लेकर ही उतरूंगी। अगर मैंने वैसे उतरने की ट्राई की ना, तो मैं नीचे गिर सकती हूँ। लो भाई मैं डर गई हूँ, मैं डर गई। असल में पहले तो मैं सही जा रही थी, लेकिन जब भी मैंने अपनी मामा को देखा ना, मेरा डर बढ़ गया। तो मैं एजल हूँ। हाँ जी मैं एजल हूँ। एजल की वॉइस ओवर जी, मैं एजल की वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी जी अभी फिर मैं नीचे उतरूंगी, अल्लाह खैर ही करे, बस मैं गिरू गुरू ना, क्योंकि मैं दिन में ना 30-40 दफा गिर ही जाती हूँ। मुझे कह रही आजो, मुझे लगा शायद गिरने लगी है। दांचे। मजा आ गया। अभी मैंने अपने डैडी का हैंडी पकड़ा और मैं नीचे उतरने लगी हूँ। वैसे मुझे लगा था कि शायद इस दफा भी ये ऐसे ही करेगी कि सीढ़ियाँ चढ़कर जाएगी और स्लाइड से नीचे आएगी, लेकिन नहीं भाई, अब अपना खेलने का अंदाज चेंज करती है। चेंज कर लिया अब कल इसकी। अब जी मैंने इस घोड़े को पकड़ लिया, जिसकी कि मैं डुम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। डुम मेरे हाथ में आ चुकी है, डुम को पकड़ कर मैं इसे घसीटने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ साथ बोल रही हूँ डूले माया डूले। तुम्हें पता है मैं आज एजल छोलो ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि पूरे 1.25 साल से शायद लोगों ने ना जान खाई हुई थी, वी वॉन्ट एजल सोलो ब्लॉग, तो एंजॉय करो एजल सोलो ब्लॉग। और आज के बाद, आज तो मैंने बना लिया एजल सोलो ब्लॉग, अब पूरा 1 साल मिनिमम डिमांड नहीं करनी तुम लोगों ने एजल सोलो ब्लॉग की, समझ आ गई। एजल बड़ी होगी तो एजल खुद बनाएगी। हाँ जी, एजल शूट बनानी है तेरी, ठीक है। फिर इसके बाबा को इसका ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। छोटे बट्टे। मैंने अभी अपनी नई वाली मोटर बाइक ना स्टार्ट करनी है, मेरे से स्टार्ट हो नहीं रही। हो गई है भाई। दबाओ। और सब लोग ना आज के ब्लॉग में माशाल्लाह 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 बोलना और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है ना। लोडिया बाटी को मैं ढूंढ रहे रूम में, पहले मैंने पर्दों के साथ छेड़खानी करनी है, पर्दों के पीछे मैंने छुपने की कोशिश करनी है, प्लस मैंने बाहर खिड़की से चाटी मारनी है कि बाहर कैसा माहौल है, मौसम अच्छा है या बुरा है। उसके बाद जी मैंने अपनी मामा के टांगों के ऊपर बैठ कर ढूले माइया लेने की कोशिश करनी है। कमल तुम्हें पता है उसको क्या चाहिए, तो उसकी जरूरत पूरी करो। ये जी इसका आजकल नया ढूले माइया लेने का स्टाइल है। बेटी हमारी देखो किधर आ गई है, अब इसको खोलेगी और इसके अंदर से ये निकालेगी, और निकालने के बाद इसको खाने की कोशिश भी करू। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कमल ने तो, आज इसने निकाल कर इसको मुंह में नहीं डाला है।
नहीं तो इजल का हमेशा से रिकॉर्ड है, जब भी ये इस वाली साइड पर जाती है ना, इसको खोलती है ढक्कन को, ढक्कन को खोलने के बाद ना एक व्हाइट कलर का ना छोटा सा बॉल पड़ा हुआ है, उसको मुंह में डालती है। लोटी अभी मैं टूले मैया लेने में पीछे भी हो गई हूँ, और वो भी बड़े वाली स्विंग के अंदर। इस स्विंग में बैठ कर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, दिल दादन दादन हो जाता है एकदम। इजाजत, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन, ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों को घंटी में जाकर नोटिफिकेशन देता रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।